शहीद दिवस के अवसर पर SFI द्वारा आज सोलन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में रक्तदान को लेकर युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। इस मौके पर भारी संख्याओं में युवाओं ने आगे कदम बढ़ाते हुए रक्तदान करने में रुचि दिखाई। रक्तदान शिविर का शुभारंभ होते ही युवा रक्तदान करने के लिए एकत्रित होने लगे। इस दौरान लगभग 70 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का टारगेट रखा गया था। DYFI के जिला संयोजक राकेश कुमार ने बताया कि जिस तरह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सहित सभी लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई है, उन्हें याद किया जा रहा है। साथ ही इस रक्तदान शिविर के माध्यम से मानवता के लिए किए गए उस बलिदान को याद दिलाते हुए इस रक्तदान के माध्यम से सभी को मानवता का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही राकेश कुमार ने यह भी बताया कि रक्तदान को महादान कहा जाता है, इसीलिए सभी लोग इस रक्तदान शिविर में आए और जहां भी रक्तदान किया जाता हो उसमें शामिल हो, ताकि जरूरत के समय खून की कमी से किसी की भी मृत्यु ना हो। उन्होंने कहा, सोलन के अंदर SFI और DYFI ने साझे तौर पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर किया है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से SFI और DYFI एक साफ संदेश आम जनता के बीच में ले जाना चाहती है कि देश के अंदर जो नफरत की राजनीति, जो धर्म और जात के नाम पर लोगों के अंदर बंटवारा पैदा करने की कोशिशें की जाती हैं, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो आदर्श थे, जिनके मुताबिक वो देश के अंदर आपसी भाईचारा और प्रेम की भावना को बढ़ाने की कोशिशें करते थे, और नौजवान भारत सभा के माध्यम से जो उन्होंने नारा भी दिया था कौमी एकता जिंदाबाद का, उस नारे को आगे ले जाते हुए देश के अंदर एक भाईचारे और अपनेपन की जो भावना है उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ DYFI और SFI भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के उन आदर्शों को, जिसके अंदर अंतर्गत वो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए और मानवता की भलाई के लिए अपनी हंसते हंसते जो अपनी जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटे, उन आदर्शों को आम जनता के बीच में ले जाने की कोशिश यहाँ पर कर रही है।